मोतियाबिंद से जूझ रहे हैं शाहरुख खान। सर्जरी फेल होने के बाद अमेरिका में करवाएंगे ऑपरेशन। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में बने रहे। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक्टर को मोतियाबिंद हो गया था, जिसके कारण वह पिछले महीने से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। 29 जुलाई को शाहरुख खान ने अपनी आंखों की सर्जरी करवाई थी, लेकिन उनकी यह सर्जरी कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में अब शाहरुख खान अपनी आंखों की सर्जरी के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में आंख की सर्जरी के बाद शाहरुख खान स्विट्जरलैंड जाएंगे। बता दें कि शाहरुख खान की पिछले कई महीनों से तबीयत खराब चल रहा है। आईपीएल के दौरान एक्टर को हीट स्ट्रोक आ गया था, जिसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। फिर एक्टर को मोतियाबिंद होने का पता चला था। एक्टर शाहरुख खान का इलाज पिछले कुछ समय से चल रहा था। शाहरुख खान को दोनों आंखों में परेशानी हो रही थी। एक्टर ने अपनी एक आंख का ऑपरेशन तो भारत में करवाया, वहीं एक्टर दूसरी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए अमेरिका जाएंगे। रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान आज यानी 30 जुलाई को अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद शाहरुख खान की तबीयत को लेकर चिंता में आ गए हैं फैंस। शाहरुख खान की वर्क फ्रंट की बात करें तो डंक की आखिरी फिल्म उनकी रही है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।